काला ढूंगी मंडल में अनुश्रवण परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट के प्रथम नगर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने सुरेश भट्ट को उपाध्यक्ष बनाकर की धरातल से जुड़े कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। इसी क्रम में उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए काम करने को कहा। इसके साथ ही उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने नई जिम्मेदारी मिलने पर शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय जनता बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। काला ढूंगी से मुकेश चिम्बाल की रिपोर्ट। मेरा जो स्वागत किया है उसके लिए मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने अनुश्रवण परिषद का अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, विशेषकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का आभार प्रकट करता हूँ। NRHM के माध्यम से हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड के सुदूर अंचल तक अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और उत्तराखंड के हर एक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, एकदम सुगम रूप से, सुचारू रूप से स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ये दृढ़ संकल्पित है। उसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी इसी कड़ी में काम कर रहा है। जिस भूमिका के साथ ये दायित्व मुझे दिया है उसको पूरा करने के लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।